रहे जब वो स्क्रिप्ट लेकर आए तो मतलब स्क्रिप्ट सुनते सुनते मैं हंसी से लोटपोट हो गई। और फिर उन्होंने इतनी अच्छी कास्ट को उन्होंने इकट्ठा किया जिसमें हमारे NSD के थिएटर के काफ़ी सारे लोग हैं। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, दो परिवारों का विघटन होता है इसमें, मतलब दो फैमिली प्यार की वजह से जुड़ जाती हैं जो ऑलरेडी टूटी होती हैं। तो इसमें हर कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस है, हर कैरेक्टर जो भी है इसमें सबका अपना अपना बहुत बढ़िया रोल है। और मैं एक छोटे छोटे टाउन का लड़का हूँ जो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम लोग मिल नहीं पाते। एंड में सब कुछ सही हो जाता है और इस दौरान जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो बड़ी एक डिफरेंट सी है, अच्छे अच्छे पंच है। जैसे एक नॉर्मल लव स्टोरी कहानी होती है, कहानी लव स्टोरी है, लेकिन हमने नए ढंग से पिरोने की कोशिश की इस स्टोरी को। और ये कॉमेडी फिल्म है, कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और गाने हमारे सारे बहुत अच्छे हैं। एक सामाजिक मैसेज भी है इस फिल्म में। दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप ये ज़रूर फिल्म देखें, आपको मज़ा आएगा और अपनी फैमिली के साथ देखें। मेरा पार्ट इस फिल्म में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर है और बहुत अच्छा कोशिश की गई है इस मूवी में कुछ अच्छा म्यूज़िक देने की, है ना। कुछ मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट कुछ अच्छे गाने। जैसे बच्चा का नाम है बिन फेरे फ्री में तेरे, आपको सुनकर ही मालूम पड़ता है कि इट्स अ कॉमेडी फिल्म। वैसे इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, मैंने जो प्ले किया है वो यशपाल शर्मा जी के वाइफ का रोल किया है और वो जब भी ड्रीम में रहता है वो और मैं आ जाती हूँ, यू नो भूत। एक्चुअली आज मैं मर चुकी हूँ इस फिल्म में, लेकिन उसकी आत्मा आ जाती है। इट्स अ वेरी कॉमेडी सिक्वेंस, कॉमेडी पंच है फिल्म में। आप लोग देखिएगा, आप लोग जरूर इन्जॉय करेंगे। मेरा रोल है इसका हीरो का दोस्त बनाओ, चाय से ज़्यादा केटली करो, मतलब यानी सारे काम करता हूँ, सारे रास्ते बताता लेकिन सारे काम उल्टे करता हूँ। इस फिल्म के अंदर मैं हिमानी जी के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ जिन्हें कम सुनाई देता है। इस वजह से ये जो पूरी फिल्म में जो ऊपर नीचे जो दिख रहा है, बिन फेरे फ्री में तेरे जो टाइटल बता रहा है, ये इसका जो करता धरता है वो मैं हूँ। मतलब तो मेरे एक रॉन्ग मैसेज से क्या क्या हो जाता है और क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं फैमिली में, क्या क्या बुरी चीज़ें होती हैं, पूरी स्टोरी टॉपसी टर्वी है। इट्स रोमांटिक कॉमेडी, बहुत अच्छी फिल्म है। मनोज जी ने कुछ फ्रेशनेस की तरह इस स्क्रिप्ट को पर्दे के ऊपर उभारा है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है अलका और मैं मुकेश जी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा कपल है हम दोनों का इस फिल्म में।